तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का छुंदा, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाकर सालों स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 5 कच्चे आम लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धो लिया था और अच्छी तरह से पानी को पोंछ लिया था। अब इस तरह से एज को काट लें और इसे हम छील लेंगे। और यहाँ मैंने सभी आम को छील लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से बीज से काट देती हूँ और बीज को निकाल लेंगे। अब यहाँ मीडियम वाले होल से हम इसे कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए बहुत बारीक वाले होल का इस्तेमाल ना करें। सभी आम भी हमारे कद्दूकस हो चुके हैं, तो थोड़े मसाले तैयार करेंगे। और यहाँ एक पैन में 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने सौंफ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भुनना है, जब तक कि इससे थोड़ी खुशबू ना आने लग जाए और थोड़े ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मसाले भुन चुके हैं, तो अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लेना है। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे और इसमें ये कद्दूकस किया हुआ आम डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। अब 1 कटोरी चीनी लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ या फिर मिश्री में भी इसे बना सकते हैं। बस ध्यान रहे, जो भी आप लें इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। जितने आम हो उतनी ही चीनी या गुड़ ले लें। और गैस का फ्लेम ऑन कर कर इसे हम चलाते रहेंगे, जब तक कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, वरना आम पैन में चिपक सकता है, क्योंकि हमने इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रहे, शुरू के 1-2 मिनट इसे अच्छी तरह चला लें। चीनी पिघल चुकी है, तो अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया है, 1/4 चम्मच काला नमक लिया है। काला नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अगर चाट मसाला ना हो तो 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ही डाल दें। इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है, जो चीनी के टेस्ट को थोड़ा बैलेंस करेगा। नमक डालने से यह नमकीन नहीं बनेगा, बल्कि एक अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है, ताकि आम चीनी के साथ अच्छी तरह से पक जाए। इसे पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, पानी भी सूख चुकी है और ये बहुत थिक हो गया है। तो 2 मिनट इसे चलाते हुए और पकाएंगे, क्योंकि हमें इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना है। छुंदे को करीब हमने 15 से 18 मिनट पकाया है, ये थिक हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये अभी और थिक होगी। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और भुने हुए मसाले डालेंगे, जो हमने पहले भून कर पीस लिया था। मसाले को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे पहले ही भुना हुआ है। तो बस इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लें। आम का यह खट्टा मीठा छुंदा बनकर हमारा तैयार है। आप चाहें तो इसे अभी खा सकते हैं, पर 10 से 12 मिनट के बाद ही खाएं, जिससे मसाले भी अपना फ्लेवर अच्छी तरह से छोड़ दें। छुंदा ठंडा हो चुका है, तो अब इसे सर्व कर लेंगे। इसे स्टोर करने के लिए किसी सूखे जार का इस्तेमाल करें और ढक्कन बंद कर इसे फ्रिज में साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। बस ध्यान रहे, जिस किसी भी जार का इस्तेमाल करें वह पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।